मार्फिज्म का प्रोसेस किस तरह से होता है। देखिए फर्स्ट है टर्मिनोलॉजी, आखिर इनके मीनिंग क्या है। टर्मिनोलॉजी, अब टर्मिनोलॉजी क्या है, मीनिंग्स क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म के मीनिंग्स क्या होंगे। द वर्ड पॉली मीन मैनी, पॉली मीन क्या हो जाएगा, मैनी मीन मैनी, मॉर्फ मीन फॉर्म और स्ट्रक्चर, मॉर्फ मीन क्या हो जाएगा, फॉर्म्स और स्ट्रक्चर, फॉर्म्स या स्ट्रक्चर के। देखिए आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी जिसमें फॉर्म और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते थे, ये मॉर्फ वही वर्ड है। देन क्या हो जाएगा, द वर्ड फिज्म इज अननोन, क्या हो जाएगा, ये नाउन है और नाउन किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोसेस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यानी मैनी फॉर्म्स के अंदर ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ही कंपाउंड मैनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो उसे पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड एक होगा, स्ट्रक्चर उसके डिफरेंट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फ। द वर्ड एलो, एलो का मतलब होता है चेंज, द वर्ड एलो मीन क्या हो जाएगा, चेंज। एंड द वर्ड ट्रॉपी मीन क्या हो जाएगा, इज ड्राइव फ्रॉम द ट्रॉप्स विच मीन फॉर्म, यानी चेंज इन फॉर्म, अगेन फॉर्म चेंज हो जाना, अगेन क्या होगा, फॉर्म का चेंज हो जाना। अब एलोट्रॉपी और दोनों के हमने पहले टर्मिनोलॉजी देखी, पॉली मीन मैंने, मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म, एंड द वर्ड एलो मीन चेंज आर डिफरेंट होना, मॉर्फ मीन अगेन क्या हो जाएगा, ट्रॉपी इज ड्राइव फ्रॉम ट्रॉप्स विच मीन फॉर्म, यानी इसमें भी फॉर्म चेंज होंगे, स्ट्रक्चर चेंज होंगे। अब देन फिनोमिना कौन सी टाइप का है, देखते हैं फिनोमिना कौन सी टाइप का है, देन हम डिफाइन की तरफ जाएंगे। अब पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोसेस किस में होता है, पॉलीमॉर्फिज्म इज ओनली फॉर द कंपाउंड्स, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कंपाउंड फिनोमिना, यानी क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कंपाउंड फिनोमिना, यानी क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगा, इट इज ओनली एग्जिस्टेड इन द कंपाउंड, ये सिर्फ कंपाउंड में होगा, एलिमेंट्स में नहीं होगा। एंड एलोट्रॉपी इज द एलिमेंटल फिनोमिना, एलिमेंटल फिनोमिना के एलोट्रॉपी क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स के अंदर, एलोट्रॉपी का फिनोमिना एलिमेंट्स के अंदर होगा, और जो क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म है वो कंपाउंड्स के लिए, अगर कोई कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड, अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे दैट इज सेड टू बी द एलोट्रॉपी, अगर एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा दैट इज सेड टू बी द एलोट्रॉपी, और अगर कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा दैट इज सेड टू बी द पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड। अब आपके पास इनकी डेफिनेशंस क्या है, समझेगी अगेन बेटा, व्हाट आर द डेफिनेशंस फॉर दीज कंपाउंड, डेफिनेशन क्या होंगी बेटा, देखिए मैनी फॉर्म में एग्जिस्ट करना कौन सा, अगर एक कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे उसे पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड, क्या हो जाएगा कि द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच अ कंपाउंड कैन एग्जिस्ट, द प्रोसेस इन विच अ कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस, कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, कि अगर एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक ही कंपाउंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है दैट कंपाउंड इज सेड टू बी द पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड एंड द फिनोमेना इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, यानी फिनोमेना को क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। द प्रोसेस इन विच क्या हो जाएगा, सिंगल कंपाउंड है बेटा, ध्यान में रखना, अ कंपाउंड एक सिंगल कंपाउंड है, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, यानी एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, दैट इज सेड टू बी द पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म के, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। द प्रोसेस इन विच क्या हो जाएगा कि एक, यानी क्या हो जाएगा, हमने कहा एक कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, और एलोट्रॉपी में भी एक से ज्यादा फॉर्म होंगी, लेकिन किस चीज की, एलिमेंट की, द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड द प्रेशर, दैट इज सेड टू बी द क्या कहेंगे, एलोट्रॉपी, यानी एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना एक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में, that is said to be the क्या कहेंगे, allotropy कहेंगे, that is said to be the
एलोट्रॉपी, अगर एक से ज्यादा कंपाउंड, अगर एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, तो देन उसे क्या कहेंगे, एलोट्रॉपी। अगर कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म में हो तो पॉलीमॉर्फिज्म, और अगर कंपाउंड के अलावा एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर हो तो दैट इज सेड टू बी द क्या कहेंगे, एलोट्रॉपी। दैट इज सेड टू बी द एलोट्रॉपी। अब कंडीशंस, डिफरेंस तो नहीं है कंडीशन की, बट कंडीशंस क्या हो जाएंगे एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, यानी क्या कह जाएगा, पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड्स के अंदर ट्रांजिशन टेम्परेचर रिक्वायर होता है, या फिर टेम्परेचर पे, यानी कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड, कंडीशंस आर नेसेसरी। यहाँ पे कंडीशंस क्या हो जाएंगी, नेसेसरी होंगी, जिनमें टेम्परेचर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, या उसकी शेप के लिहाज से। तो कंडीशन क्या होंगी, नेसेसरी होंगी, इसके लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर इज नेसेसरी। ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसके लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होगा, आर नेसेसरी। ट्रांजिशन टेम्परेचर आर नेसेसरी, इनके लिए ट्रांजिशन का यानी क्या होगा, टेम्परेचर जरूरी होगा। टेम्परेचर, एक ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है हम अभी देखते हैं, इसको भी ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होगा उसको भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। अब क्या होगा, अगर एक से ज्यादा, अगर कोई एक सब्सटेंस एक से ज्यादा कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो उससे पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड कहेंगे, और अगर एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो दैट इज सेड टू बी द क्या कहेंगे, एलोट्रॉपी। और ये क्या होगा, कंडीशन इसके लिए भी जरूरी होंगी, कंडीशन इसके लिए भी क्या होंगी, जरूरी होंगी। नेक्स्ट, उसके बाद बेटा मेन चीज पे आते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल से आपको पता लग जाएगा, देखिए बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल है, देखिए लिखा होगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 can exist in a two different form, कि AgNO3 दो different form के अंदर पाया जाता है। देखिए लिखा होगा एक orthorhombic form दिया हुआ है, next rhombohedral form, ये दो form के अंदर क्या करता है, exist करता है। एक क्या होगा orthorhombic form, orthorhombic form, और क्या हो जाएगा rhombohedral form, ये दोनों different form है, ये इन दो form के अंदर क्या करता है, exist करते हैं। तो अगर compound, compound एक ही है AgNO3, एक से ज्यादा फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर एक ही कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो, दैट कंपाउंड इज सेड टू बी, या दिस प्रोसेस इज नोन है, यानी क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इन्हें क्या कहेंगे, इस कंपाउंड को पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड कहा जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। देन है बेटा सल्फर, सल्फर दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब वो कौन सी फॉर्म है, अगर देखी जाए एक कहलाता है मोनोक्लिनिक फॉर्म, देखिए बुक के अंदर दिया होगा, एक होगा मोनोक्लिनिक फॉर्म और दूसरा क्या होगा, दैट इज सेड टू बी द रोम्बिक फॉर्म, ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म, ऑर्थोरोम्बिक रोम्बिक फॉर्म, दैट इज द रोम्बिक फॉर्म, के रोम्बिक फॉर्म में क्या करता होगा, एग्जिस्ट करता होगा। अब कंपाउंड एक ही है, एक से ज्यादा फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। देखिए अगर कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म में होगा दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, और अगर एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में होगा दैट इज सेड टू बी द एलोट्रॉप। दीज आर द टू मेन प्रोसेसेस। अब एक चीज और यहां से देखते हैं, द नेक्स्ट थिंग इज क्या हो जाएगा, एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म के बाद है ट्रांजिशन टेम्परेचर। What is transition temperature? How we can define transition temperature? Transition temperature kya hota hai? The temperature at which two crystalline form exists in a equilibrium. Wo temperature jis pe do crystalline form equilibrium position ke andar maujood ho. The temperature at which, definition kya banegi? The temperature at which two crystalline form, at which two crystalline form exist in equilibrium ke equilibrium ki form ke andar kya karega, exist karegi, these are said to be the kya kahenge, transition temperature. वो टेम्परेचर जिसमें दो या दो से ज्यादा फॉर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन में एग्जिस्ट करती हूं, ऐसे टेम्परेचर को क्या कहेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर के, दैट इज सेड टू बी द ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब बेटा एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, एग्जाम्पल आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट, कैसे, अगर आपके पास है सल्फर S8, ऐसे बुक के अंदर देखेंगे सल्फर लिखा होगा S8, नीचे क्या दिया हुआ है, रोम्बिक फॉर्म और मोनोक्लिनिक, एक के नीचे क्या दिया होगा, पहला अगर देखा जाए तो क्या लिखा होगा, रोम्बिक फॉर्म, देन इट इज अ रोम्बिक फॉर्म। अब सल्फर को क्या किया जाता है, जब हीट किया जाता है इट इज कन्वर्टेड इंटू S8। देखिए बेटा
ये भी एस एट था, ये भी एस एट है, फर्क दोनों में क्या है? अगर देखा जाए तो ये रोम्बिक फॉर्म है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म होगी? दैट इज द मोनोक्लिनिक फॉर्म, मोनोक्लिनिक फॉर्म है। अब देखें, एलिमेंट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या हुआ? चेंज हुआ। सल्फर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, सल्फर को क्या कहेंगे? एलोट्रॉप शो करेगा। सल्फर क्या शो कर रहा है? एलोट्रॉप शो कर रहा है, लेकिन जिस टेम्परेचर पे होगा, दैट इज 95.5 डिग्री, यानी क्या होगा? सेल्सियस। ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? ट्रांजिशन टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज सेड टू बी द, बेटा कोएग्जिस्ट का मतलब यानी क्या करना, पाया जाना। अगर एक से ज्यादा फॉर्म है, देखिए रोम्बिक क्या हो जाएगा? मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एट 95 क्या हो जाएगा? 5 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा देखें, इस टेम्परेचर पे सुनेंगे मेन पॉइंट, इस टेम्परेचर पर जितनी क्वांटिटी रोम्बिक फॉर्म की होगी उतनी ही मोनोक्लिनिक फॉर्म की होगी, यानी एट ट्रांजिशन टेम्परेचर। नोट बना के लिखेंगे, मैं 4-5 पॉइंट लिखवाता हूं, सारी एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल बाकी खुद करनी है। अब देखिए क्या होगा बेटा, ये आज हमने स्ट्रक्चर पढ़ने हैं सारे, रोम्बिक फॉर्म बता दूंगा क्या है, फर्स्ट यू कैन फोकस ऑन दैट। जब हम क्रिस्टल की टाइप पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। अब क्या होगा नोट, पहला पॉइंट क्या होगा? एट ट्रांजिशन टेम्परेचर, एट ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर पर क्या होगा? जितनी मोनोक्लिनिक फॉर्म होगी ऑफ सल्फर, मोनोक्लिनिक is equal to the rhombic form, यानी rhombic shape के अंदर, rhombic और monoclinic actually shape हैं, these are actually the shape, ये दोनों shape के अंदर exist करता है, ये दोनों की quantity बराबर होगी। equilibrium position के अंदर जितनी quantity monoclinic की होगी उतनी ही rhombic की होगी, जितनी monoclinic की होगी उतनी ही क्या होगी? rhombic form की होगी। जितनी monoclinic की होगी उतनी क्या होगी? rhombic form के। rhombic is, अब इस ट्रांजिशन टेम्परेचर पर जितनी मोनोक्लिनिक फॉर्म है उतनी रोम्बिक फॉर्म है, यानी जितनी सल्फर मोनोक्लिनिक शेप के अंदर एग्जिस्ट करेगा उतना ही रोम्बिक शेप के अंदर एग्जिस्ट करेगा। देन उसके बाद बेटा इधर देखेंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? लेस देन ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर क्या होगा? लेस होगा ट्रांजिशन टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लेस होगा। इफ द टेम्परेचर इज लेस देन, टेम्परेचर टी लेस देन क्या होगा? ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर से टेम्परेचर कम हुआ तो ध्यान में रखना रोम्बिक फॉर्म ज्यादा होगी, मोनोक्लिनिक फॉर्म कम होगी। रोम्बिक फॉर्म क्या होगी? ज्यादा रोम्बिक शेप के अंदर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ मोनोक्लिनिक शेप, यानी सल्फर रोम्बिक फॉर्म के अंदर ज्यादा होगा, रोम्बिक शेप के अंदर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ मोनोक्लिनिक फॉर्म। देन If the temperature is, क्या हो जाएगा? Greater than transition temperature, क्या हो जाएगा बेटा? Transition temperature, यहां पे TT से मुराद transition temperature, TT transition temperature, ठीक है? फिर बाद में पूछेंगे TT क्या है, T for transition, T for temperature, तो ये क्या हो जाएगा? Transition temperature। बेटा ट्रांजिशन टेम्परेचर सल्फर का कितना है? 95.5, आई थिंक यहां मैंने लिख दिया है 95.5 डिग्री सेल्सियस। देन क्या होगा? अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर इससे क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। ट्रांजिशन टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो ध्यान में रखना बेटा रोम्बिक फॉर्म कम से कम होगी, रोम्बिक शेप ऑफ सल्फर लेस होगा और मोनोक्लिनिक शेप ऑफ सल्फर क्या होगा? ज्यादा होगा। मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ द सल्फर क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। ये आपके पास तीन ऑब्जेक्टिव। चौथा एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट नोट एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ट्रांजिशन टेम्परेचर इज ऑलवेज बी लेस देन देयर मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांजिशन टेम्परेचर जो यहाँ पे टेम्परेचर रिक्वायर होगा हमेशा वो उसके मेल्टिंग पॉइंट, उस कंपाउंड के या उस एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा। तो क्या होगा? ट्रांजिशन टेम्परेचर इज ऑलवेज लेस देन, ये लिखने की बात है, ट्रांजिशन टेम्परेचर इज ऑलवेज, लेस देन क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा बेटा? कम होगा। ट्रांजिशन टेम्परेचर इज ऑलवेज बी लेस देन
करते हैं. व्हाट आर द क्रिस्टलैटिस? क्रिस्टलैटिस मेरे साथ आप लोग थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है? या बिल्कुल पहले इसको समझ लेंगे, मैं थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर अलहदा एक बना के वीडियो शो कर दूंगा. इधर देखिएगा, थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है. एक क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, एक छोटा सा बॉक्स. देन एक और बॉक्स उसके अंदर क्या करेंगे, बनाएंगे. यानी आप लोगों ने डब्बे में डब्बा बंद कर देंगे. बॉक्स, ये बॉक्स बनाया, एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स आपने क्या कर दिया बेटा, बंद कर दिया. अब इनके पॉइंट्स को आप लोग क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे. इन पॉइंट्स को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इन पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे. जो आप एक दूसरे के आमने सामने हो, ये पॉइंट मिल गया, इसके साथ ये पॉइंट मिलेगा, इसके साथ ये पॉइंट मिलेगा, इसके साथ ये पॉइंट मिलेगा. ये आपके पास क्या बना, एक यूनिट सेल बना. लेकिन हम इसे क्या करेंगे, क्रिस्टल लैटिस में चेंज करेंगे. बेटा सुनेंगे, पहले इस तरह का बॉक्स बनाना है, उसके बाद क्या करना है, बॉक्स बनाने के बाद जितनी भी लेंथ बनाई है, मैं बता देता हूं लेंथ कौन सी है, जितनी भी लेंथ बनाई है उनका हाफ करेंगे. इधर देखेंगे, ये जितनी भी लेंथ है इसका हाफ यहां पे लगा लेंगे, जितनी भी लेंथ है उसका हाफ. हर लेंथ का क्या करेंगे, हाफ करते जाएंगे. जितनी भी लेंथ है उनका क्या करते जाएंगे बेटा, हाफ करते जाएंगे. जितनी भी लेंथ है उन सब लेंथ को क्या करेंगे बेटा, हाफ कर देंगे. जितनी भी लेंथ है उन सब लेंथ को क्या करेंगे बेटा, हाफ कर देंगे. इस तरह से हमने हाफ किया, ऑल लेंथ आर इन अ हाफ फॉर्म, हाफ कर दिया. बेटा देखिए, इस तरह से सारी लेंथ को पहले क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, फिर जितनी भी लेंथ होंगी उन सबको क्या करेंगे, हाफ. हाफ उनके आधे डिस्टेंस पर, आधे डिस्टेंस पर क्या करेंगे बेटा, तो ये. अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, इसके साथ क्या हो जाएगा, आके अटैच हो. ये क्या करेंगे, हाफ लेंथ जो है एक एक खाने की या एक एक बॉक्स की मिलाएंगे. जैसे ये मिलाया, उसके बाद क्या करूंगा बेटा, इसको इसके साथ मिला रहा हूं और इसको इसके साथ मिला रहा हूं, तो हाफ लेंथ आप लोगों ने मिला देनी. सेम इसको इसके साथ मिला रहा हूं, इसको इसके साथ मिला रहा हूं, तो हाफ लेंथ अगेन मिला देंगे. देन हाफ लेंथ को इधर क्या करेंगे, मिलाएंगे. जितनी भी हाफ लेंथ बेटा बनाई, हम सब हाफ लेंथ को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे. दीज ऑल हाफ लेंथ आर जॉइन विद ईच अदर. इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा. पहले आपने क्या करना है बेटा, यानी बॉक्स बनाने हैं. देन इन हाफ लेंथ को आपने क्या करना है, मिला देना है. देन हाफ लेंथ को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे. इन हाफ लेंथ को मिलाएंगे. आगे हाफ लेंथ बनाने के बाद बेटा फिर आपके पास हाफ लेंथ बनेंगे. इधर देखेंगे, एक पॉइंट ये वाला रह गया और एक ये रह गया, इनको आपस में मिलाना है. एक पॉइंट आपके पास ये वाला रह गया, ये वाला रह गया, ये वाला अगेन, ये जो पॉइंट मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं बोल्ड फॉर्म में कर रहा हूं, इनको मिलाने हैं. देखिए, ये हाफ लेंथ आपने मिला दी, इस हाफ लेंथ को मिला दिया, उसके बाद इस हाफ लेंथ को आपने क्या किया, मिलाया. इसके बाद इस हाफ लेंथ को क्या किया बेटा, मिला दिया. इस तरह से इनको मिलाने के बाद अगेन आपके पास एक पॉइंट बन रहा है, एक हाफ लेंथ ये, एक हाफ लेंथ ये. समझेंगे, पहले इनको मिला देंगे. सेम एक हाफ लेंथ ये, एक हाफ लेंथ ये, इनको मिला देंगे. देन एक हाफ लेंथ और ये हाफ लेंथ क्या करेंगे, मिला. ये थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा. दैट इज अ थ्री डिमेंशनल बॉक्स. अब सुनेंगे बेटा, क्रिस्टलैटिस को डिफाइन करने के लिए ये बनाया. अब क्या होगा बेटा, थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स क्या है, वेल अरेंज्ड है. थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स क्या हो जाएंगे, वेल अरेंज होंगे. अगर थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स क्या हो जाएंगे, वेल अरेंज है. ये थ्री डिमेंशनल लास्ट क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा. इस थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर जो यहां पे बनेगा आपके पास, ये क्या कहलाएगा, क्रिस्टलैटिस. क्रिस्टलैटिस क्या है, एक्चुअली तौर पर यानी थ्री डिमेंशनल नेटवर्क है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का. बेटा जितने भी ये हमने पॉइंट्स बनाए हैं, अरेंजमेंट्स ऑफ एटम है, ये एटम्स हैं या आइंस हैं और मॉलिक्यूल्स हैं. एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल, ये जितने भी हमने यानी पॉइंट बनाए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल है. तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल इन अ थ्री डिमेंशनल फॉर्म. देखिए बुक के अंदर लिखा होगा, द अरे ऑफ एटम, ions or molecule in a three dimensional form, this is said to be the crystallatus.
कि एटम आइंस और मॉलिक्यूल को क्या करना, थ्री डिमेंशनल फॉर्म के अंदर क्या करना, रिप्रेजेंट करना, दैट इज सेड टू बी द क्रिस्टल लैटिस। द अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम आइन और मॉलिक्यूल, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स को अरेंज किया, आइंस को या मॉलिक्यूल को अरेंज किया एक थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर, दिस इज सेड टू बी द क्रिस्टल लैटिस। दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी द क्रिस्टल लैटिस। इस थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर को क्रिस्टल लैटिस, इधर देखिए बेटा, इन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, दैट इज सेड टू बी द लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, इन्हें क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट्स कहा जाता है। दीज पॉइंट्स आर सेड टू बी द लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, इन्हें लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहा जाता है। इन द नेक्स्ट, दैट इज अ यूनिट सेल बेटा। व्हाट इज अ यूनिट सेल बेटा, हमने बनाया हुआ है, पढ़ा हुआ है सारा, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। अभी देखिएगा, जो पढ़ाऊंगा आप लोगों को पता लग जाएगा पढ़ा हुआ है, ठीक है। यूनिट सेल क्या होता है बेटा, क्या करेंगे, पहले एक बॉक्स बनाए, आपने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स को क्या करेंगे आप लोग, बंद करेंगे, यानी एक डब्बे में एक और डब्बा बना लेंगे इस तरह से, और इनको आपस में मिला देंगे। दिस इज अ यूनिट सेल, ये इसी क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा पार्ट है। ये जो थ्री डिमेंशनल क्रिस्टल बनाया, इसका एक छोटा सा टुकड़ा उठा के देखिए, यूनिट सेल है। लेकिन ध्यान में रखना, जो प्रॉपर्टी इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर मौजूद, यानी इस यूनिट सेल के अंदर मौजूद है, वही सारी की सारी प्रॉपर्टी क्रिस्टल लैटिस में। यानी अगर क्रिस्टल लैटिस को स्टडी करना हो तो हम यूनिट सेल को स्टडी कर ले, तो क्या होगा कि यूनिट सेल क्या है, अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट है किस चीज का बेटा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। कि ये बेटा क्रिस्टल लैटिस का, क्रिस्टल लैटिस का क्या हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, विच कंटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लैटिस, कि जिनके अंदर तमाम तर प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लैटिस, सी एल से मुराद क्रिस्टल लैटिस बेटा, क्रिस्टल लैटिस की तमाम तर प्रॉपर्टी। यानी ये जो यूनिट सेल बनाया, ये इसका छोटा सा टुकड़ा है, तो क्या करेंगे, अ पार्ट ऑफ दैट यूनिट सेल हैव इंटायर प्रॉपर्टी, हैव ऑल द प्रॉपर्टी दैट हैव द यूनिट सेल, यानी क्रिस्टल लैटिस। जितना क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो भी प्रॉपर्टी अगर डिस्कस करनी हो, तो हम यूनिट सेल की प्रॉपर्टी देखते हैं। जो यूनिट सेल की प्रॉपर्टी होंगी, वही क्या होंगी, क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टी। जो भी यूनिट सेल की प्रॉपर्टी होंगी, तो हमने क्या कहा, यूनिट सेल क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है क्रिस्टल लैटिस का, यानी अ पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच कंटेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। कि ये छोटा सा टुकड़ा यूनिट सेल कहलाता है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टी से इंटायर सारोली मिलती हूं, दैट इज सेड टू बी द यूनिट सेल। अब सुने बेटा, एक यूनिट सेल के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को कहा जाता है एजेस, जिस पर एटम अरेंज होते हैं, एजेस, ये एजेस है बेटा। सुनेंगे नेक्स्ट, इस पॉइंट से लेकर, इस सेंट्रल पॉइंट से लेकर, ये ब्लू कलर में बेटा, ये जो ब्लू कलर में शो किया जा रहा है, सेंट्रल पॉइंट से लेकर ये क्या कहलाता है, ए लेंथ, एक्स एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है, दैट इज सेड टू बी द ए। यानी यहां से लेकर इस तरह तक का डिस्टेंस जो है, इन दो पॉइंट्स तक का डिस्टेंस है, ये ए लेंथ है, इसे लेंथ या फेज कहते हैं। फेस लिखा फेस जाता है, पढ़ा फेजेस जाता है। नेक्स्ट, इधर देखिए बेटा, ये जो आपके पास उस लेंथ से लेकर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा तो ए लेंथ, अगर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है तो दैट इज सेड टू बी द बी लेंथ, दैट इज सेड टू बी द बी लेंथ। इसे क्या कहेंगे, बी लेंथ कहेंगे। अगर ये जी एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये जी एक्सिस की डायरेक्शन में है, दैट इज सेड टू बी द सी लेंथ। यानी आपके पास क्या है, फेजेस कितने हैं, फेसेस और फेसेस कितने हैं, दैट इज द ए बी एंड सी, तीन फेसेस हैं, ये तीन फेसेस हैं आपके पास बेटा। नेक्स्ट अगर देखें, एंगल कितने हैं, याद करें मैंने पहले ही पढ़ाया था कि एंगल्स, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि बी एंड सी के दरमियान जो एंगल एग्जिस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, अल्फा। बी और सी के दरमियान जो एंगल है उसे अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, सी और ए के दरमियान जो एंगल है, दैट इज सेड टू बी द बीटा। सी एंड ए के दरमियान जो एंगल होगा बेटा, उसे क्या कहेंगे, बीटा कहते हैं। द
द एंगल इज सेड टू बी द बीटा, कि उसे क्या कहेंगे बीटा। और बेटा क्या हो जाएगा कि ए और बी के दरमियान, ए एंड बी के दरमियान जो एंगल है दैट इज सेड टू बी द गामा। बेटा तीन ही फेस हैं, कौन कौन से, ए बी सी, अल्फा बीटा गामा, तीन फेस हैं ए बी एंड सी और तीन एंगल है अल्फा बीटा एंड गामा। टोटल कितने हैं, तीन ये छह, इन छह के छह पैरामीटर्स को, पैरामीटर कौन से हैं, पैरामीटर्स यूनिट सेल के पैरामीटर कौन से हैं, ए बी एंड सी और अल्फा बीटा एंड गामा। इन छह के छह पैरामीटर्स को क्या कहा जाता है बेटा, इन छह के छह पैरामीटर्स को आपके पास क्या कहा जाता है, दैट इज सेट टू बी द क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट। दीज आर सेट टू बी द क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट, क्या कहेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट, दीज आर सेट टू बी द क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट, आप क्या कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट क्या है, द पैरामीटर्स, द पैरामीटर्स एल ए बी सी अल्फा बीटा गामा, दीज सिक्स पैरामीटर ऑफ अ यूनिट सेल इज सेट टू बी द क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट।